आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 61.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 58 रुपीज पर आएगा। इस पॉइंट पर देखें तो स्टॉक ने क्लोजिंग बनाया आएगा और यहां पर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में जो रुकावट रेंज है वो 65 रुपीज पर आएगा। जो रेड कलर की होरिजेंटल लाइन देख रहे हैं इस पॉइंट पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। काफी समय से देखें तो स्टॉक इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और स्टॉक एक रेंज होन के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाई है वहां पर तो एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, पर जब तक स्टॉक इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपरी लेवल पर एक दबाव देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते तो नीचे में 58 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें जो ग्रीन कलर की निक लाइन है। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 64 रुपीज और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक को होल्ड करना चाहते तो 72 रुपीज के बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं।